हेलो नमस्कार आदर सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं एक बिल्कुल यूनिक वीडियो शूट करने जा रही हूँ। मतलब मैंने आज तक ऐसी वीडियो फर्स्ट टाइम शूट करी है। सो आज मुझे जाना था अमीनाबाद, कुछ काम वाम है। थोड़ा सा मेरा ऊपर का घर बना था, लाइक नॉट घर बना था बट एक रूम बना था, तो उसके लिए मुझे कुछ कर्टन्स वगैरह लेने थे, तो उसके लिए जा रहे थे अमीनाबाद। मैंने सोचा क्यों ना एक थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग अमीनाबाद टाइप का कुछ वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि अमीनाबाद में क्या कहाँ लगभग किस प्राइस में मिल जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा आराम हो जाए। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:30-12 बजे के आसपास का है, और खा पी के नहा धो के फिर निकलते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे, और ये शर्ट मुझे बहुत कम्फी से लगती है, इस वजह से मैं इसको पहन रही हूँ। और ये बैग बहुत ज़्यादा स्पेशियस है एंड बहुत ज़्यादा सेफ है, इस वजह से मैं इसको लेके जा रही हूँ। वी आर गोइंग। तो ये फाइनली हम पहुंच के अपनी मंजिल जहां हमें आना था। तो ये टैक्सी स्टैंड है, और जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं तो एक तिराहा पड़ता है। तिराहा से जब हम लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो वहां पर मेन शॉपिंग का मज़ा स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग में सारी फ़ोटो स्टूडियो वगैरह की शॉप्स हैं, तो चार्ट हो एंड थोड़ी बहुत चुटर पुटर खाने पीने की दुकान है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये पुलिस स्टेशन और उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर है, उसके बाद से मेन शॉप्स एक्चुअली में शुरू होती हैं, और इस लेन में दोनों साइड ही शॉप लगती हैं। अब तो अमीनाबाद काफ़ी बदल गया है, इन अ गुड टर्म्स नॉट अ नेगेटिव टर्म्स। और ये देखिए यहाँ पे सारे सूट्स वगैरह मिलते हैं, आई मीन सूट के कपड़े। और ये देखिए एयरिंग की शॉप आ गई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयरिंग्स के आपको ऐसे स्टॉल मिलेंगे जो ये आपको रोटेटिंग मोड में रहते हैं, और हर तरह के इसमें एयरिंग्स, लाइक हुप्स भी हैं, स्टड भी हैं, झुमकी, बाली, हर चीज़ है। और इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लग रहे थे। एंड इसमें ना अलग अलग रेट है, 30 रुपीज़ के भी, 40 रुपीज़ के भी, 60 रुपीज़ के ही हैं। चलो मम्मा भी देखने लगी मैंने सोचा चलो हम भी एक ले लेते हैं। एंड यार वाओ, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये सारे, चलो एक ले ही लेते हैं इसमें का। और आगे बढ़ने पे ये हमें मिली ज्वेलरी की शॉप, जहाँ पर जितने भी ऑनलाइन जैसे मिलते हैं ना वैसे ही यहाँ पर हैं, और ये 100 to 120 रुपीज़ के हैं। और ये रही मीठी खट्टी सी गोली, 10-20 रुपए के डिब्बे मिल जाते हैं आराम से। ये रहा गन्ने का जूस, एंड उधर देखिए राइट हैंड साइड में 100-100 रुपए के पजामा एंड टॉप्स वगैरह मिल रहे हैं। वो देखिए ग्रीन बोर्ड पर डायरेक्शन लिखे हुए हैं कि आप इधर जाइए तो आपको ये मिलेगा। जहाँ पर 100 रुपए के पजामाज मिल रहे थे ना उधर ही आई हूँ। और ये देखिए मिडी मैक्सी टाइप के टॉप टाइप के हैं, हर तरह का 100-100 रुपीज़ का। इसमें से ना मुझे एक अच्छा लग रहा है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। एक फ्लोर टाइप का पीच कलर का है, और वो मुझे ये वाला जो है ना, ये पीच कलर वाला, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। और यहाँ पर आपको मोबाइल शॉप्स, मतलब कवर वगैरह मिलने की शॉप्स बहुत मिल जाएंगी, और हर शॉप पे ना आपको लेडीज़ जेंट्स हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। सॉफ्ट टॉयज बहुत कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सो गुड। एंड अगेन गन्ने का जूस, सूट, हर तरफ आपको, इस टाइम तो ईद चल रहा है ना, तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। मतलब ये है कि आपको कोई स्पेसिफिक शॉप पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, हर चीज़ आपको इसी जगह पर मिल जाएगी। एंड ये स्टॉल है 30 रुपए के मिल रहे हैं शायद, या 30 रुपए के स्टॉल मिल रहे हैं ये। एंड मेरी फेवरेट चीज़ है फ्लावर्स, वो कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे देखने में ना, 120 के 4 मिल रहे हैं। ये ग्रीन वाले मैं लूँगी पक्का, लेकिन आगे लूँगी जाके। ये बीच की ही लेन में सारी क्रॉकरीज वगैरह मिल रही हैं, लाइक कप प्लेट्स वगैरह मिल रही हैं, और अच्छे लग रहे हैं। मुझे एक्चुअली घर के भी आइटम लेने में ना बड़ा एक्साइटमेंट होता है, सी कितने प्यारे लग रहे हैं, बट अभी मैं यहाँ से लूँगी नहीं तो टूट टूट के घर जाएंगे। एंड ये सारा प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक का भी, स्टील का भी, ये सब कुछ है। ये बीच की ही लेन में ना जॉर्जेट के सूट लगे हुए हैं, जॉर्जेट या शिफॉन के, मतलब वो वाले कढ़ाई वाले, बहुत प्यारे लग रहे हैं। यानी 450 to 550 रुपए के रेंज में हैं, और जो कॉटन वाले हैं वो 250 या 350 रुपए के रेंज में हैं, बट अच्छे लगते हैं गर्मी में पहनने के लिए बहुत। ये देखिए अभी एक सूट खुलवा के देखती हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसमें। वैसे बन बन में तो समझ ही में नहीं आता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुलवा के देख लिया जाए। साथ ही में ये जो पर्पल कलर ना बहुत प्यारा लगता है, ये देखिए इसको मैं खुलवा के देख रही हूँ, और आप लोग भी मजा लीजिए, सी हाउ ब्यूटीफुल। पर मुझे ना ऐसा लगता है कि गर्मी में ये वाला कपड़ा ज्यादा सूट नहीं करता, कॉटन बेस्ट होता है।
मामा चलो उधर साइड भी चलते हैं, राइट हैंड साइड में भी कुछ देख लेते हैं, दिखा देते हैं। सो ये हैं टॉप्स, इन्हीं शर्ट्स हैं 200-200 रुपए की। वाह अच्छी हैं, बढ़िया हैं। ये देखिए पजामा और ये सूट ब्लू वाला। रुकिए मैं आपको पूरा नज़ारा एक बार दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे का। ये देखिए टॉप 200 रुपए का। ये पूरी लेन में ना आपको टॉप सूट सब एक साथ मिलता ही चला जाता है, आप हर चीज़ ले सकते हो। एंड इस टाइम तो ईद चल रहा है ना, तो सूट वगैरह भी बहुत प्यारे प्यारे। एंड ये देखिए पजामा, कम्फी कम्फी क्लोथ्स लेने हो तो यहाँ से ले लीजिए। लो चलिए सूट के साथ आप मुझे भी देख लीजिए। और ये देखिए हर कलर के हर तरह के सूट्स अवेलेबल है, मतलब तरीका तो एक ही लेकिन हाँ कलर आपको हर कलर मिल जाएगा। और ये ड्रेस देखिए भाई साहब गजब की लग रही है, और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे काफ़ी डिसेंट सी प्रिटी सी लग रही थी। 1000 रुपीज़ के अंदर ही है ये, बट मैंने इसको खरीदूंगी नहीं, बिकॉज मैं ख़रीदने के पर्पज से नहीं आई हूँ। एक्चुअली मुझे पर्दा ही मेन कॉन्सेप्ट से लेना है, और बट वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि गाढ़ा भंडार में परमिशन नहीं थी शूट करने की। ये देखिए उसी लेन में छोटे छोटे बच्चों की जीन्स मिल रही है, एंड ये 150 रुपए की हैं जो कि आप घर में आराम से पहना सकते हो आई गेस। और यहाँ पे देखिए अगेन ज्वेलरी, और आजकल ये मल्टी लेयर की चेन इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना, इतनी ज़्यादा चल रही है, मैंने भी लिया। और यहाँ पे मिल रही है बेड शीट्स एंड टॉवल, बेड शीट आई थिंक 200 रुपए की, टॉवल आई थिंक 100 रुपए की। और यहाँ पे प्लास्टिक का सामान, मिल्टन की बॉटल अगेन सम, और ये है बैंगल स्टोर्स। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कलीरे नहीं सॉरी, जो ये लगाया नहीं जाता स्कर्ट्स वगैरह में वो मिल रहा है इसको, मैं भूल ही गई कि इसको बोलते क्या है। बट ये है कि लोकल मार्केट से यहाँ पर अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं, बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती हैं ये। और ये है सामने लाल खंभे वाली दुकान, ये पूरा रेड कलर से पेंटेड है, इस वजह से इसका नाम ही यही पड़ गया है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ के जाओगे सीधे, तो आपको थोड़ी बहुत शॉप्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको पूरी मिलेगी बुक मार्केट। ये सारे फुटवेयर्स आपको 150-200 रुपए के अंदर मिल जाएंगे, जो कि प्राइजी भी हैं, बट यार इसकी क्वालिटी बहुत अजीब लगती है। मैंने तो जब जब लिया है ना, ये एक दिन पहनने के बाद टूट गए हैं। अब बारी आई है मेरे फेवरेट पार्ट की, बोले तो मेरे को बैग्स को कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के बैग है, बट मुझे ये वाला बैग कुछ समझ में आ रहा है, मेरे पास इस कलर का है भी नहीं, और ये इसका प्राइस 200 रुपए का है। बट ये ग्रे के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है ना। ये मम्मी दूसरा बैग भी देख रही हैं। अच्छा वैसे अभी तक मैंने ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर नहीं करी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अमीनाबाद में इतनी ज़्यादा दुकानें हैं ना, उस वजह से वहाँ पर गंदगी बहुत हो जाती है। और ये अगेन मैं थोड़ा सा बैग देख रही हूँ, सी द गंदगी। और अब यहाँ से जूते चप्पल की शॉप्स ज़्यादा वाली शुरू हो जाएंगी। और ये रहा रिजवान गेट, इसके अंदर सारी जूते चप्पल की दुकानें हैं, इसमें आपको हर तरह का हर माफी का जूते चप्पल मिल जाएगा, लाइन से लगी हुई है। एंड सब आपको बहुत ही प्यार से बुलाते हैं कि आइए मैडम क्या चाहिए आपको, लीजिए यहाँ से लीजिए। ये देखिए पूरा लाइन से, वाह हर तरह के हैं। सो मम्मा भी कुछ ट्राई करना चाहती हैं, तो उन्होंने भी ट्राई एटलीस्ट कर ही लिया। और ये जो रिजवान गेट है ना, जब आप अमीनाबाद वाली जो गली है वहाँ से जब आप सीधे 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 चलते चले आते हो, तो लाल खंभे के आगे पड़ने पे ये राइट हैंड साइड में पड़ता है, फिर रिजवान गेट, फिर आप उस गली में सामने आ जाओ, यहाँ से ना प्रताप मार्केट सारी शुरू हो जाती है। तो जूते चप्पल और उसके बाद अलग अलग तरह के शॉप्स मिल जाते हैं आपको। एंड प्रताप मार्केट में भी आपको ज्वेलरी मोस्टली कॉस्मेटिक्स का, एंड थोड़ा बहुत ये गिफ्ट विफ्ट वाला जो सामान होता है ना वो सब ज़्यादा मिल जाता है। इक्का दुक्का खाने पीने की भी शॉप्स हैं, बट ज़्यादातर आपको कॉस्मेटिक की मिल जाती हैं। एंड जब एक लेन से थोड़ा सा आगे बढ़ते तब फिर कपड़े की शुरू होती है। एंड यहाँ पर तो सारी कोमोलिका वाली रिंग्स रखी हैं, बट अच्छी अच्छी हैं, एंड 100 रुपीज़ के अंदर ही हैं सारी रिंग्स। एंड ये देखिए सारे जो गिफ्ट रैपिंग का सामान होता है, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो गिफ्ट्स होते हैं, या फिर आपका क्रिसमस आ रहा हो या कुछ आ रहा हो, तो उससे जुड़ी हुई हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। बर्थडे के लिए हो, सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, और बहुत ही सही प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। एंड जो सामने दिख रहा है ना लेदर वे कलेक्शन, यहाँ से अंदर जाने पर आपको सारे के सारे गिफ्टिंग आइटम मिल जाते हैं। इस गली को भी कुछ कहते हैं, या मुमताज़ गली इसको कहते हैं। एंड यहाँ पर फ्लावर्स
एंड फिर इसके अंदर आप जाओ तो आपको सारे गिफ्ट्स के आइटम्स, फ्लावर पॉट्स बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिलते हैं। यहाँ पर आप बस चले जाओ, आपका मन करेगा हम यहीं बैठे रहें। एंड सी दिस जॉली, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। यहाँ पर आपको गिफ्ट देने के लिए ना महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता चीज़ मिल जाएगा और सबके प्राइस भी बहुत बढ़िया रहते हैं। आई मीन जो थोक के प्राइस पर मिलता है ना तो बहुत सही, बहुत ही चीप प्राइस पर आपको मिल जाती है। जो आप बाहर मार्केट से लोगे, अगर आपको 1200 रुपए की मिल रही है तो यहाँ पर आपको 500-600 रुपए में ना आराम से मिल जाएगा। टॉयज वगैरह पे भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मेरे को तो जब लेना होता है ना, मैं थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, मैं यहीं आती हूँ, मैं यहीं से ले लेती हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पर ना क्वालिटी एंड क्वान्टिटी एंड प्राइस सब कुछ मिल जाता है। एंड सी ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, माय गॉड। और यहाँ पर क्या है ना, गली में गली है, गली में गली है। आप एक गली से जाओगे दूसरी गली से ऐसे निकल जाओगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो अमीनाबाद एक्सप्लोर करना मतलब एक तरह का फन पार्ट है कि आप इस गली से जुड़ जाओगे फिर अगली गली से निकल जाओगे जहाँ से आप पहले जा चुके हो। इट्स वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग, आपको थोड़ा सा लिंकअप रहता है। एंड सी द ट्रेस, कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रे हैं। और मैं यहाँ पर आगे चल रही हूँ, मम्मा यहाँ पर शूटिंग कर रही हैं। एंड फ्लोरल ज्वेलरी इज सो गुड, वाव। मैं भी अपनी शादी की शॉपिंग ना यहीं से करने वाली हूँ। बट गंदगी बहुत होती है यहाँ पे यार, टॉयज वो भाई साहब। बच्चे को ले आओ ना, बच्चे का मन करे यहीं पे रह जाओ। सी प्रताप मार्केट के सामने से अंदर जाके मुमताज मार्केट में घुसे थे, घूम के फिर प्रताप मार्केट वाली गली में आ गए। यहाँ पे ये सब ऐसे ही लगा रहता है। वैसे अमीनाबाद में ना रश काफ़ी होता है, तो जब भी सामान वगैरह खरीदने आए तो प्लीज़ अपने पैसों की, अपने सामान की सुरक्षा भी स्वयं करिएगा, क्योंकि वो हर जगह होता ही रहता है, थोड़ी बहुत ऐसी वारदातें। तो हाँ, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना पड़ता है फॉर श्योर। एंड सी ऑल द कॉस्मेटिक शॉप, यहाँ पर सारी कॉस्मेटिक की शॉप्स आपको मिल जाएंगी। एंड ये वो गली है जहाँ से हम लोग आए थे, ये लेफ्ट हैंड साइड में। एंड यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे शोरूम्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपको थोड़ा भारी इन्वेस्टमेंट करना है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट शोरूम्स वगैरह में भी। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बैंड्स वगैरह हैं। एंड यहाँ पर एक शॉप है जहाँ से मैं परफ्यूम्स वगैरह अपने लिए लेती थी, दिस इज़ द शॉप्स, यहाँ पर मैं परफ्यूम वगैरह लेती थी। ये जो आशा ब्यूटी कलेक्शन टाइप का है यहाँ से। और ये जो आप सामने सीधे जा रहे हैं तो ये आपको ना गली के उस पार ले जाके सीधे गड़बड़ झाला, ये देखिए सामने गड़बड़ झाला, मतलब आप प्रताप मार्केट से निकलोगे आप गड़बड़ झाला में घुसोगे, ऐसा यहाँ पर है। तो ये देखिए सामने गड़बड़ झाला। एंड गड़बड़ झाला में भी अगर आपको दुल्हन बनना है तो आप गड़बड़ झाला में चले जाइए, आपको अब वहाँ से ना जो है दुल्हन बनकर ही निकलोगे। आपको वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, लाइक ज्वेलरी से लेके आपको नाइट सूट्स, कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएगा, ज्वेलरी बॉक्स मिल जाएगा, हर तरह की चीज़ें, हर तरह का सामान, सो गुड। मतलब एक ही दुकान, मतलब एक ही छत के नीचे एक तरह से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। एंड ये शॉप मुझे काफ़ी पसंद है, यहाँ से मैं काफ़ी सारा सामान अपना लेकर जा चुकी हूँ। और ये कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं, बट ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत उससे लड़ेंगे, लाइक आप जो भी कपड़ा पहनोगे ना उसमें बहुत फंसेंगे, तो इस वजह से मैंने इसको चुपचाप रख दिया। तो ये पूरा गड़बड़ झाला ये पूरे टीन शेड के नीचे है और आपको यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको दुल्हन बन के निकलेंगे वो अलग बात है, बट अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं एंड कुछ और देखते हैं। एंड सी मैंने बोला था ना दुल्हन बन के निकलेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे हल्दी और मेहंदी के ऐसे डेकोर आइटम्स भी हैं यहाँ पर। तो आप अपने डेकोर के लिए, मतलब अपनी शादी के डेकोर के लिए भी एंड फ्लोरल ज्वेलरीज वगैरह हर चीज़ खरीद सकते हैं आराम से। और यहाँ पर एक लाल गुड़िया वाला है गड़बड़ झाला से, जैसे ही आप बाहर निकलोगे वैसे ही लाल गुड़िया वाला मिलता है। वहाँ पर आपको क्राफ्ट के हर आइटम, शादी से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो सब मिल जाएगा, लाइक जो ज्वेलरीज होती हैं, जो डेकोर आइटम होते हैं, आपको कुछ भी सजाना हो, आपको कुछ भी करना हो ना, वहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी लाल गुड़िया। तो जब आप जैसे गड़बड़झाला में सीधे सीधे आते हैं उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलना है, तो आप इस गली में आते हैं और इस गली में भी आपको शादी से जुड़ा हुआ हर सामान मिल जाएगा, मेहंदी लगवाना, डेकोर आइटम्स ही देखिए लाल गुड़िया वाला आपको दिख गया ना या,
तो मेहंदी लगाना हो या फिर आपको पगड़ी लेना हो, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ सामान हो, लाइक शादी में जो जो आइटम्स की ज़रूरत होती है पूजा के लिए, और लिफाफे हो गए, डेकोर आइटम्स हो गए, पत्तल वगैरह, हर चीज़ मिल जाएगा और वो भी रीजनेबल प्राइस पे। और यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी सी, जैसे वो जो ट्रे टोकरी ये सब होता है ना, वो सब भी बहुत प्यारा प्यारा मिल जाता है। तो जब भी आपको शादी की शॉपिंग करनी हो प्लीज़ यहाँ पर आइए, यहाँ से लीजिए। मैं कुछ पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि आपको एक ही जगह से ना हर सामान मिल जाता है, मुझे ये चीज़ बहुत समझ में आती है। एंड फिर जब आप वो शादी के सामान वाली गली से निकलते हैं तो फिर ये आपका मेन अमीनाबाद वाली गली आपको मिल जाती है, मतलब सड़क मिल जाती है। तो ऐसे तीन लेन है, एक में गबरजाला है, तो गबरजाला के आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो जहाँ पे शादी का सामान मिलेगा, एंड अगर राइट हैंड साइड वाली गली में जाओगे तो सारा आपको प्लास्टिक का, कांच का, बर्तन ये वो वाले सारे आइटम्स मिल जाएंगे। एंड ये यहाँ पर एक चौराहा है, यहाँ से राइट हैंड साइड में जाने में कोई एक जगह पड़ती है, मैं भूल गया कौन सी जगह पड़ती है फिलहाल, या इस जगह से जब आप आगे जाते हो ना तो आपको गणेशगंज रोड मिल जाए। तो अब चल के थोड़ा सा गले को तर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली प्यास लग रही है, हालांकि पानी लेके आए थे बट वो ख़त्म हो गया है। तो आहा क्या सुकून मिला है पानी पीते ही, यार इतनी ज़्यादा गर्मी, ऐसा लग रहा था जैसे डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, तो पानी बहुत ज़रूरी है भाई साहब। वो देखिए सामने कपूर मच्छरदानी, हमारे घर में जितनी भी मच्छरदानी आई है ना वो सारी यहाँ से आई है, और यहाँ पर आपको चाय, सूट सब कुछ मिल जाएगा। एंड सूट सब बहुत प्यारे प्यारे हैं यार, मैं डेफिनेटली यहाँ से एक बाय करूँगी। सो अब मैं आपको थोड़ा मेन चीज़ दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो चौराहा देख रहे हैं ना, इसको हम पर्सनली नमकीन वाले चौराहे के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर ना शॉप्स हैं नमकीन की, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी हैं, दो तीन हैं, लेकिन वहाँ पर नमकीन बहुत सारी मिलती हैं। और यहाँ पर आपको बैग्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड आपके नॉर्मल ये सब मोजे और पैंटीज एंड फराना धमकाना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट यह सबका मेन मकसद ये कि आपको प्राइस सही मिलता है। एंड फिर जब हम इसी लेन में आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे चौराहे को क्रॉस करके, ठीक है, तो यहाँ पर फिर सीधे जाने पर पड़ेगा नज़ीराबाद रोड। फिर नज़ीराबाद को जब आगे क्रॉस करेंगे तो आपको आनंद चौराहा मिलेगा, कैसरबाग वाला। वेल, हमें अभी इतनी दूर नहीं जाना है, हमें अभी इसी लेन में आगे बढ़ना है क्योंकि हमें कुछ कपड़े खरीदने। वेल, अभी हम इधर आए हैं मोहन मार्केट की तरफ, ये है मोहन मार्केट की रोड। हम लोग कुछ कपड़े वपड़े देख रहे हैं छोटे बच्चे के, क्योंकि हमें देना है किसी को, तो उस वजह से। एंड ये है मोहन मार्केट, ये तीन गलियां हैं और यहाँ पर आपको शादी से जुड़ी हुई सामान, यार वाई आई एम सेइंग बार बार शादी से जुड़ी हुई सामान, यहाँ पे आपको सूट साड़ी लहंगा सब कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे कपड़े लेने ना तो डेफिनेटली आप इसमें जाइए। तीन गलियाँ हैं ये, जो नमकीन वाला चौराहा है ना वहाँ से जब आप राइट हैंड साइड में आएंगे तब ये पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं थोड़ा सा आपको ये मोहन मार्केट की जो एक गली दिखा दें क्योंकि तीनों गली दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो यह कम से कम एक गली तो देख लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल हो जाता है। एंड जैसे जैसे ये आपकी एक गली ना, वैसे ही आपकी तीनों गलियाँ आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर इतनी देर बाद एक लेन ख़त्म हुई है, तो इस लेन को ख़त्म होते ही आपको एक और गली मिलेगी, उसमें यहाँ पे कपड़े की शॉप से, देखो बच्चे के मामा की शॉप से, ये इतने प्यार से बुलाते हैं, आओ बेटा बच्चों के मामा की दुकान है, ऐसा लगेगा कि जैसे फ्री में दे देंगे। तो यहाँ पर शॉप है, और सामने जाने के बाद आपको यहाँ पर मेडिसिन मार्केट मिलेगा, वहाँ पर आपको हर तरह की दवाइयाँ मिल जाएंगी, बहुत ही ईजली मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है बहुत बड़ा सा, बट वो इस टाइम बंद था, आई थिंक कोई काम वाम चल रहा है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम्स भी हैं, लाइक सुगनामल हो गया, मान्यवर हो गया, राजरत्न हो गया, गाड़ा भंडार हो गया, गीता वस्त्रालय हो गया, ये सारे भी हैं, और बाकी ऐसे लोकल लोकल भी मिल जाता है। फिर चलते चलते थोड़ी सी भूख लगाई थी तो सोचा कि थोड़ा बहुत खा पी भी लेते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर टिक्की मंगा कर खाई। एंड खाली खाली सा रेस्टोरेंट था, हमने कहा चलो ठीक है सही है खा लेते हैं थोड़ा बहुत, एंड फिर निकलते हैं फटाफट से। एंड देन खा पी के हम लोग फिर से वो नमकीन वाली गली में आ गए क्योंकि अब हमें वापस लौटना था, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो ये देखिए यहाँ पर राजरत्न भी है, दिखा दिया मैंने राजरत्न भी। तो
अब हम उस चौराहे के नियर अबाउट पहुंच रहे जो हमें नजीराबाद की तरफ लेके जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सामान खरीदना था। और यहाँ पे ये डॉल्स देखिए कितनी ज्यादा प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर एंड क्यूट क्यूट से लग रही है। ये यहाँ पे पुलिस चौकी टाइप की है एंड चौराहा है, तो यहीं पे ये डॉल्स लगी हुई है। और ये हमने पेड़ हमको खरीदना था, तो ये हमने पेड़ देखिए मुझे खरीदा 100 रुपीज़ के, यहाँ पे 4 मिल रहे थे तो मुझे ये डील ज़्यादा सस्ती लगी, वहाँ पे 120 रुपये के 4 मिल रहे थे, तो ये हमने यहाँ पे ये खरीद लिया है। सो मैं ये वही पुलिस बूथ वाले चौराहे के पास खड़ी हूँ, तो उसमें जो राइट हैंड साइड में गली गई है, एक गली वो नज़ीराबाद जाती है, एक गली टुंडे कबाबे की तरफ जाती है एंड एक गली चारबाग की तरफ जाती है एंड एक गली बुक मार्केट की तरफ जाती है, वहाँ पर सिर्फ बुक्स ही बुक्स हैं। तो अब चूंकि हमें घर आना है तो उस वजह से हम लोग उसी सड़क पर आ गए, उसी गली पर आ गए जहाँ से हमने शुरुआत किया था, मतलब जहाँ से हमने एंट्री ली थी अमीनाबाद में। और ऐसे यहाँ पर अभी आपको रिजवान गेट भी दिखेगा जहाँ से हम अंदर उसके प्रताप मार्केट में गए थे पहले, अब हमें वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, पहले हमें वो राइट हैंड साइड पर दिखेगा। बट आई रियली वॉन्ट टू हैव बर्फ़ का गोला, वो काला खट्टा वाला, बट लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलने का तो अच्छी बात है। एंड ये देखिए लाल खंबे वाली दुकान, और ज़रा गौर फरमाइए लखनऊ में हमारा चांदनी चौक, माय गॉड। एंड सिर्फ आप लोगों के लिए हम इधर आए हैं, ये जो लाल खंबे वाली गली थी ना उसके अंदर आने पे जो बुक मार्केट है ना पूरा वहाँ पर आए, देखिए सारे सामने ये जो बुक्स वाले जो नेम होते हैं लाइक रामा एंड कंपनी, ये सब पूरा बुक डिपो है यहाँ पर। यहाँ पर हर तरह की आपको बुक्स 0 से लेके पूरा हाई लेवल की सारी बुक्स कॉपी हर चीज़ आपको यहाँ पर आराम से अवेलेबल हो जाएगी। और हम वापस वही आ गए एंड फाइनली हमें हमारा काला खट्टा मिल जाएगा, ये अब मैं काला खट्टा खा रहा हूँ। और ये उसी के आगे ना सारा बैम्बू का सामान मिल रहा है जो कि ठीक ठाक प्राइस पे था, आई मीन इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, नॉट दैट मच, बट हाँ ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपये के अंदर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ दे डिजर्व क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी होती है। एंड लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है। सो अब हमें यहाँ से हमारी टैक्सी मिलेगी, और ये यहाँ की कुछ बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, यानी काफ़ी पुरानी पुरानी से बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये एक मंदिर भी अवेलेबल है बाय द वे, तो हम टैक्सी पकड़ के अब घर पे मिलते हैं। तो अगर आप सफ़ेद जूते पहन के अमीनाबाद जाते हो ना तो उनकी हालत कुछ इस तरह हो जाती जब आप वहाँ से वापस लौट कर आते हो। सो फाइनली बैक टू पवेलियन, 1 बजे के गए 7 बजे आ पाए, जबकि कुछ नहीं ऐसा खरीदा, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरा फ़ोन मेरा साथ ही नहीं दे रहा था वीडियो शूट करने के लिए, मेरा फ़ोन बार बार ओवर हीटेड हुआ जा रहा था, इतनी ज़्यादा वाली धूप कि उसको थोड़ा सा कूल डाउन करते 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 फिर मैंने जितनी भी क्लिप्स शूट करी है वो सब आप लोगों को मिल गई होंगी। और चलिए अब रखते हैं, और हाँ जो भी सामान लिया है उसका मैं अलग से हॉल वीडियो शेयर करूँगी तो उसको देखिएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।